गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियोस में। देखो, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है संविधान में अनुच्छेद। हम देखेंगे संविधान में अनुच्छेद के जो भी प्रश्न अभी तक यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो सारे प्रश्नों को हम एक जगह कर रखे हैं। एक चीज ध्यान में ये रखना कि जो मैं स्क्रीन आपको फाइल ऊपर कर रहा हूँ, इसमें एक बार क्या करना कि वीडियोज को ना पॉज कर लेना, ठीक है? और इसके आंसर्स अभी जैसे स्क्रीन पर भी क्वेश्चंस आपको दिखेगा, या वो क्वेश्चंस दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर एक, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है? और इसको थोड़ा सा एक बार देखना कि इसके आंसर्स क्या है। मान लो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है? इसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करना, चाहे क्वेश्चन कितना भी गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बस आपको एक बार रिकॉल करना है कि क्वेश्चन क्या क्या थे, ठीक? वीडियोज को पॉज कर, इसीलिए मैं इसको मूव कर दे रहा हूँ ताकि आप एक बार पॉज करके एक बार इसके आंसर्स को कर लेना। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे थ्योरी वाले पार्ट में, एक बार रिवाइज करा देते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सारे आर्टिकल्स याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ वैसे आर्टिकल्स याद रखना है जो बार बार एग्जामिनेशन में किसी न किसी तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको देख रहा होगा लगभग 18 क्वेश्चन नंबर है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, 21, 22, 20, इस तरह से आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस लगभग 30 के आसपास हैं, ठीक है? टोटल 26 क्वेश्चन है, तो ये 26 क्वेश्चन आपको एक बार स्क्रीन पे पॉज कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा और उसके बाद आंसर्स को कीजिएगा। एक बार रिकॉल हो जाएगा ना, तो इससे क्या होगा ना कि इंटरेस्ट बना रहेगा आपको पढ़ने में। चलो देखो, ये जो हमने देखा है कि संविधान में अनुच्छेद, इसके पहले हमने दो तीन क्लासेस हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि भारतीय संविधान में वर्तमान में, देखो यहाँ पे दिया हुआ 9 दिसंबर, मैं बात कर रहा हूँ ये अभी वर्तमान में देखोगे कि मई मई 2022 की स्थिति के अनुसार देखोगे तो लगभग 468 आर्टिकल है, ठीक है? लेकिन क्रमांक की दृष्टि से अभी भी अनुच्छेद कितने हैं, 395 है, और सभी जो अनुच्छेद भरते हैं उसमें क ख ग घ ऐसे करके ये जोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये आपको पुरानी स्थिति दिख रही है, जिसको आप क्रॉस कर लीजिएगा, ये 2022 के अकॉर्डिंग कितना है, लगभग 468, ठीक? लेकिन क्रमांक की दृष्टि से अभी भी कितना है, 395 है। अब इसमें देखेंगे कि जब हम संविधान देखते हैं तो संविधान में हमारे टोटल कितने भाग हैं, तो 24 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूची, 8 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर हम इसमें से कौन कौन सा याद करें, क्या सारे याद करें? देखो एक बार तो थ्रूली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन फिर भी जो जो इम्पोर्टेंट्स है वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे आप देखोगे कि इम्पोर्टेंस में, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे प्रमुख अनुच्छेद है, ठीक है? तो प्रमुख अनुच्छेद में देखो ऐसे ध्यान रखना, ये सब हो सकता है कि वो डायरेक्ट आर्टिकल आपसे पूछ ले, है ना? और यह नहीं हो सकता है तुम तो आर्टिकल ना पूछे, आपसे पूछ दे कि आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 5 के बीच में किसकी बात की गई है, ठीक है? ये आई कह दिए कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 19 तक में किस चीज की बात है। ध्यान रखिएगा ऐसे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 1 में क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ और संघ का नाम या उसके जो राज क्षेत्र है, संघ का जो क्षेत्र होगा, जो एरिया होगा, उसकी बात अनुच्छेद 1 में की जाती है। दूसरा है आपका आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों का स्थापना या प्रवेश, कोई भूभाग है उसको यदि हमें लेना है तो उसकी प्रवेश करने की बात होती है या स्थापना करने की बात होती है, नए राज्यों का निर्माण करने की बात होती है, या वर्तमान में राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं में या नामों में परिवर्तन करना है, तो ये अनुच्छेद 3 से संबंधित है। मान लो जैसे यूपी है, बिहार है, मान लो बिहार को ही वो कहें कि मिथिलांचल एक अलग एरिया बनानी है, अलग राज्य बनाएंगे, है ना? भोजपुरी लैंड एक अलग बनाने की बात है, तो कहाँ आएगा, आर्टिकल 9 के अंदर आएगा। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ में के समय क्या था, नागरिकता की बात है। अनुच्छेद 14 बात करता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। यदि आपका विधि के समक्ष समानता का अधिकार देखोगे, जैसे कोई लॉ है तो लॉ के सामने सब कोई इक्वल है, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है, चाहे वो अमीर है, वो गरीब है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या आम आदमी, मैं और आप हैं, तो सब कोई विधि के समक्ष समानता का अधिकार है।
आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान, जेंडर का आधार, ट्रांसजेंडर के आधार पे या महिला पुरुष के आधार पे विभेद का प्रतिषेध करता है। आप अंतर नहीं कर सकते इन आधारों पे, ठीक है। तो आर्टिकल 15 आपका आता है। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषयों में हमें अवसर की समानता है। मान लोक नियोजन मतलब जो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हो उसमें समानता की बात, अवसर की समानता की बात आर्टिकल 16 कहता है। और राइट टू ये इनटचेबिलिटीज की बात कर रहा है, मतलब अस्पृश्यता का अंत करने की बात है। क्या उसको बोलोगे, जो टचेबिलिटी जैसे छुआछूत वाली जो बात होती है ना, हम ये कास्ट के हैं, हम वो जात के हैं, वो धर्म के हैं, हम वो अधर्म के हैं, तो ये जो छुआछूत है, अस्पृश्यता का जो है वो अंत की बात आर्टिकल 17 में किया जाता है। आर्टिकल 18 कहता है जो उपाधि है, खान बहादुर नवाब है ना, इस तरह के जो लोग लेते थे उपाधियां, उनका अंत करने की बात आर्टिकल 18 में कहा गया है। आर्टिकल 19 जो कहता है वो सॉरी, आर्टिकल 19 कहता है बात स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण की बात करता है। तब राइट टू स्पीक वगैरह कहाँ आपका आएगा, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यदि किसी के प्रति दोष सिद्धि होती है अपराध करने के, क्राइम करने के केस में, उसमें जो संरक्षण के संबंधित जो बातें कही गई हैं वो बातें कही गई आपके आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 का क है, ध्यान रखना, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, जो 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यानी राइट टू एजुकेशन की बात होगी तो आपका अनुच्छेद 21 के अंदर बात होती है। देखो तो इसको पढ़ते कैसे हैं, अनुच्छेद 21 परंतु क, और मान लो कहीं कहीं पे आप देखते हो ना 19(1)(a) है ना, तो इसको क्या बोलोगे, आर्टिकल 19 परंतु एक सब परंतु, इस तरह से हिंदी में इसको एक्चुअली रीड आउट किया जाता है। आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, नजरबंदी वगैरह की बात करते हैं, उससे भी आपको मिलता है संरक्षण। आर्टिकल 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम, जबरदस्ती किसी से काम करवाना बिना पैसे दे करके, तो बलात्श्रम का प्रतिषेध करता करता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 में बालकों के नियोजन के लिए का विरोध करता है, वो है आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के आवाज रूप में मानने की, आचरण करने की और अपने धर्म का प्रचार करने की उनको स्वतंत्रता है, वो आपको बात करता है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात आपका किया जाता है अनुच्छेद 29 में। आर्टिकल 29 जो कहता है जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो माइनॉरिटीज ग्रुप है, उनके हितों के संरक्षण की बात होती है। आर्टिकल 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा भी कहा है भीमराव अम्बेडकर ने, तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व होंगे, और साथ ही साथ अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की बात आपकी आर्टिकल 19 क में किया गया है। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, तो ध्यान रखना, अब देखोगे खास करके मोटी मोटी बातें तो सबको याद रहता है, लेकिन ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान कहाँ है भाई, तो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 40 के अंदर में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। अब जो आर्टिकल 41 है वो कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का भी आपको अधिकार है। आर्टिकल 33 ख कहता है सहकारी समितियों के संवर्धन की बात होती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बार बार होती है। आपको हो सकता है कि आगे आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव के पहले इसका भी सगुफा शुरू होगा, क्योंकि अब चुनाव का टाइम है, तो ध्यान रखिएगा कि एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आर्टिकल 24 में, 44 में है, इसको आपको न्यूज में सुनने के लिए मिलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
उसके बाद आप देखेंगे कि अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, ये आर्टिकल 45 में डीपीएसपी वाले पार्ट है, इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों की रक्षा की बात 48 क में है, और अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो किरण रिजिजू हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट आया था, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, खास करके जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने, कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कैप्चर करना चाहती है न्यायपालिका को। लेकिन जनरली ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बात उन्होंने क्लियर ये कहा था कि भाई कार्यपालिका का जो कार्य है वो कार्यपालिका देखे, न्यायपालिका का कार्य है नगरपालिका देखे, अपने लक्ष्मण लेखा को ना ना दे, क्योंकि सबको शक्ति कहाँ से मिले, सबको शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से मिल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण, और आर्टिकल 51 ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछ दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि की बात आर्टिकल किसमें है, क्या डीपीएसपी में है, बिल्कुल आर्टिकल 51 की बात करता है। आर्टिकल 51 का मूल कर्तव्य आपके फंडामेंटल ड्यूटी की बात करना, ध्यान रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटी। दूसरा अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात करता है। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए क्या पात्रता होगी उसकी बात होती है, और राष्ट्रपति की पद की योग्यता के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान क्या लिया जाएगा, और आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति पद चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। तो फ्रेंड्स एक बात हमें हमेशा याद रखना कि देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक। तो ध्यान रखना कि आर्टिकल 52 से 61 तक जब बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी राष्ट्रपति की, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि वो डायरेक्ट ना पूछे, वो आर्टिकल साहब से ना पूछे ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल क्या है, वो सीधे पूछते कितना से इतना आर्टिकल में किससे बात की गई, और हो सकता है क्वेश्चन आपको मिलेगा। मान लो पॉलिटिक तो चेंज नहीं करेगा ना भाई, आर्टिकल थोड़ी ना बदल देगा है, तो करेगा क्या, यदि आप ना खुद सोचो कि तुम खुद एग्जामिनर हो, तुम्हारे पास 20 साल 25 साल का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कैसे नया बनाओगे, तो क्वेश्चन को ट्विस्ट करना होगा। अब देखते हैं हम आगे वाले आर्टिकल को, जैसे आर्टिकल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आर्टिकल 66 66 नंबर, यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 70 में बात की गई आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, जो इमरजेंसी के टाइम पे उसमें राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, ठीक है, तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन की बात। आर्टिकल 72 कहता 72 नंबर कि क्षमा आदि के संबंध में कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति की बात भी हो रही है। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 73 में। अब देखो उपराष्ट्रपति बीच में आ गया 66 में, फिर 72 में तुम्हें राष्ट्रपति की शक्तियां हो गई, एक तो 52 से 56 61 लगातार है। अब मान लो ये कह दे कि 70 यहां से ले लो, 70 से लेकर के आप ले लो 74 तक या 75 को, तो ये भी आगे पॉइंट आउट बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि 52 से 61, यही याद रखना, ध्यान में रखना है कि हो सकता है ये पूरा कंटिन्यू ना पूछ करके बीच में से 5 आर्टिकल पूछ ले कंटिन्यूटी में, कि ये और इस आर्टिकल के मध्य में किसकी बात की गई है, राष्ट्रपति से संबंधित है, प्रधानमंत्री से संबंधित है, महान्यायवादी से संबंधित है या नागरिकता से संबंधित है ना, इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ये कब होगा, जब आप ध्यान से इसको सुनोगे, ध्यान से जब आप देखेंगे इस वीडियोस को, तो पिक्चर क्लियर आपके माइंड में बैठ जाएगा। आर्टिकल 74 कहता है कि देखो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह करने के लिए, सलाह देने के लिए क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। और आर्टिकल 75 क्लाउज 1, इंग्लिश में बोलते हैं क्लाउज, हिंदी में बोलेंगे परंतु, और दूसरा रहेगा तो सब परंतु, तो यहाँ पर होगा सब क्लाउज। तो आर्टिकल 75 क्लाउज 1, आर्टिकल 75 क्लाउज 1 यानी अनुच्छेद 75 परंतु 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, तो ये पॉइंट याद रखिएगा।
आर्टिकल 76 कहता है कि भारत का न्याय महान्यायवादी की बात कहाँ हुई है, आर्टिकल 76 में। देखो अभी मैंने क्यों बोला भारत का न्यायवादी के बारे में बात की गई, इसीलिए मैंने बोला कि बीच में से हो सकता है कोई निकाल ले और कहे कि इसमें महान्यायवादी के बारे में बात की गई है, इसमें राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है, इसमें प्रधानमंत्री के बारे में बात की गई है, और आपने तो कंटिन्यूटी में पढ़ा तो महान्यायवादी दिमाग में तो घुसा है ये, तो ऐसा लगेगा नहीं हो सकता है भाई महान्यायवादी के बारे में, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, आर्टिकल 79 कहता है संसद के गठन का प्रावधान की बात करेगा, आर्टिकल 80 ध्यान रखिएगा 80 नंबर की बात राष्ट्रपति राज्यसभा की संरचना की बात है, और 81 लोकसभा की संरचना की बात है। तो राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में और लोकसभा की संरचना की बात आर्टिकल 81 यानी 81 में। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 83 परंतु के एक राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा, एक परमानेंट असेंबली होगी, ये जो राज्यसभा होगा एक अस्थायी सदन होगा। दूसरा आर्टिकल 84 कहता है कि संसद की सदस्यता के लिए क्या अर्हता है, एलिजिबिलिटीज है, इसकी बात 84 में की गई है। अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद में सत्र जो होगा, सत्रावसान जो होगा, विघटन जो होगा, ठीक है, इसकी उल्लेख आर्टिकल 85 में किया गया है। अब थोड़ा लास्ट वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको और ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पॉज कर करके एक बार क्या करना है आपको, एक बार लिप सिंग जैसे कहते हैं ना गाने वगैरह गाते हो, उस तरह से एक बार मन के अंदर उच्चारण कर लेना, ठीक है, वीडियोस को पॉज करके। अब आगे देखिए अनुच्छेद 100, ठीक है, क्लाउज 1 क्या कहता है भाई, कहता है लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष और विपक्ष के मत के बराबर होने पे करेंगे। मान लो कोई विधेयक आया और उस पर वोटिंग हो रही है, ठीक है, और वोटिंग में मान लो 100 लोग प्रेजेंट थे, 50 लोगों ने पक्ष में वोट दिया और 50 लोगों में विपक्ष में बिल के विपक्ष में वोट दिया, अभी तो टाई हो गया। इस केस में लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम, अभी प्रेजेंट में कौन है, ओम बिरला है, ओम बिरला मत देंगे जब तक वो टाई नहीं हो, तो इस बात को आपको याद रखना है। किसमें बात की गई है, अनुच्छेद 100 क्लाउज 1। अनुच्छेद 108 कहता है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, मान लो कोई बिल पे टसल चल रहा है, लोकसभा पास कर दे राज्यसभा पास ही नहीं कर रही है, या राज्यसभा पास कर दे लोकसभा पास ही नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात कौन करते, कौन सा आर्टिकल करता है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की बात आर्टिकल 108 कहता है। आर्टिकल 109 में बात किया गया धन विधेयकों के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको आर्टिकल 109 के बीच में बात की गई है। आर्टिकल 110 में धन विधेय की परिभाषा की बात की गई है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, अभी आपको बजट दिखा होगा, आपको ध्यान में होना चाहिए कि संविधान में कहीं बजट नाम से कोई उल्लेख नहीं है, तो आर्टिकल 112 किसकी बात करता है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। आर्टिकल 117 कहता है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध होंगे, और आर्टिकल 112 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, ठीक है, मान लो कि संसद में कोई कार्यवाही की जा रही है और उसपे अब न्यायपालिका क्या कहे कि नहीं भाई हम तो अब इसको चर्चा करेंगे, है ना, हम इसको जांच करेंगे, तो नहीं, न्यायपालिका न्यायालयों में संसद की जो कार्यवाही होगी उसका जांच नहीं किया जाएगा, तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। तो ये कौन सा आएगा, आर्टिकल 112 के अंदर में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। ये तो रोज, अब तो ये लोग तो उठपटांग बातें भी बहुत सारे बोलते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, है ना, अब बिले पेंडिंग पे पेंडिंग जा रहे हैं, अब न्यायपालिका कहे कि नहीं भैया आप तुम लोग तो काम उम नहीं कर रहे हो, हम तुम्हारा क्या करेंगे, हम तुम्हारा कार्रवाई जो तुम कर रहे हो हम उसका जांच पड़ताल करेंगे, तो इससे उनको क्या हुआ, उनको एक स्पेशल प्रोविजन मिल गया ये नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कि आर्टिकल 122 कहता है, आर्टिकल 122 कहता है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों का क्या होगा, जांच न किया जाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी बातों में इंपॉर्टेंट आ जाता है, अध्यादेश को लेकर के ऑर्डिनेंस को लेकर के आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सरकार पे आक्षेप लगती है कि सरकार का राज्यसभा में या सरकार बिना चर्चा के कोई भी विधेयक ला करके कानून बनवा रहे, विधेयक का माध्यम से एंट्री करे, और ये भी कुछ हद में हम लोग जब देखेंगे मेंस वाले जो क्लासेस वगैरह हम लोग करेंगे तो उसमें हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्यों ये उचित है और क्यों अनुचित है, तो
तो कहने का मतलब है कि संसद के जो जब कोई सदन नहीं चल रहा होता है तो उस केस में राष्ट्रपति की शक्ति है कि वो अध्यादेश ऑर्डिनेंस ला सके। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, अब हाई कोर्ट यहां से शुरू हो रहा है, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात किसमें है, आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 129 कहता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का होना, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के पुनर पुनर्विलोकन रिव्यू की करने की जो पावर है आर्टिकल 137 में कहा गया है। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 143 कहता है उच्चतम न्यायालय में से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कुछ मामलों में क्या कर सकती है, परामर्श कर सकती है। लेकिन आपने देखा होगा यदि भारत के आजादी से पहले का मैटर है तब तो वो दे सकता है, लेकिन उसके बाद का मैटर है तो भाई वो रिफ्यूज कर सकते हैं कि भैया हम इस पे सलाम नहीं देंगे, मैंडेटरी ने भी नहीं है, सलाम मानना भी मैंडेटरी नहीं है, उनको देना भी नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दों पे, हर मुद्दों पे नहीं। आर्टिकल 148 कहता है, आर्टिकल 148 नंबर कहता है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करता है। आर्टिकल 155 बात करता है राज्यपाल की नियुक्ति का। आर्टिकल 161 बात करता है क्षमा आदि की, और कुछ मामलों में दंड देश के निलंबन या परिहार या लघुकरण राज्यपाल के साथ। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके क्या उसको बोलते हैं, राष्ट्रपति को सिर्फ पावर है किसी की क्षमा या ये सुनने की, राज्यपाल का भी काम है और राष्ट्रपति का भी काम है, लेकिन राज्यपाल का सीमित है, इस बात को याद रखिएगा। तो राज्यपाल की शक्ति जो निलंबन सस्पेंशन वगैरह की है, लघुकरण या परिहार की है, तो किसमें आएगी, अनुच्छेद 161 में। ठीक है भाई, नींद वींद तो नहीं ना आ रही है देखो, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशंस है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, लगे थोड़ा तो वीडियो पॉज करके पानी वानी पीते वीते रहिए, ठीक है, पर टेंशन लेकर के नहीं करना इसको, क्लियर है। तो कोशिश ये करेंगे कि टेंशन वगैरह नहीं लेना है, मस्ती से करो और इसको थोड़ा सी स्पीड में बढ़ा लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 162 क्या कहता है, देखो 162 कहता है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करने की बात करेगा, कौन, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करता है आर्टिकल 162 में, ठीक है। आर्टिकल 164 देखो, आर्टिकल 164 क्लाउज 1, ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, अनुच्छेद 164 परंतु एक, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, क्लियर, हमने पीछे देखा था। तो इस तरह से आर्टिकल 164 कहता है राज्यपाल द्वारा किसकी, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी और मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। आर्टिकल 165 कहता है राज्य का महाधिवक्ता की बात करता है, और आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषद के उत्पादन या सृजन की बात हो रही है। याद रखना कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, आपको पता है ना कि स्टेट में दो होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी उसको हिंदी बोल देते हैं, राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा। तो विधानसभा तो हर जगह मिलेगा, विधान परिषद नहीं मिलते। चलिए आपके लिए एक ड्यूटी दे देते हैं, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना कि कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं, ठीक है, मैसेज में आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार आर्टिकल 174 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 200 क्या है भाई, आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना, अनुमति को रोक लेना या अनुमति को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर लेना, ये सब मेंस का जब आप क्लास करेंगे या आपने किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये सब बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सियल है ना, इस पे मेंस के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आर्टिकल 200 किससे संबंधित है, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित कर लेना, ठीक है, तो ये कहते हैं अनुच्छेद 200 के अंदर ये आता है, क्लियर है। अब ये कहता है कि अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, ठीक
ठीक है, 201 राष्ट्रपति के विचार के जो आरक्षित विधेयक होगा, अलग से रख लेना 201 में। अनुच्छेद 213 कहता है कि विधानमंडल के विश्रांतित काल, देखो हिंदी थोड़ा सा ट्विस्टेड है ना, विश्रांतित काल का मतलब है कि जब कोई सदन नहीं चल रहा है ना, उसमें राज्यपाल की भी शक्ति है, वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। एक तो 1, 2, 3 देखें किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, और दूसरा देखा 213, देखो इसका नंबर बीच में एक को मूव करा दो तो 213 बन गया, यानी कि 123 और 213 ये दोनों कहाँ आ रहा है, दोनों आ रहा है ऑर्डिनेंस संबंधित, अध्यादेश लाने से संबंधित, यानी 1, 2, 3 बात करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, 123 कहाँ चला जाएगा, अभी हमने कहा था वो राष्ट्रपति के लिए है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 123 है ना राष्ट्रपति के लिए, और दूसरा 213 किसके लिए है, राज्यपाल के लिए है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको इसको करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आर्टिकल 214 कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है, आर्टिकल 215 बात करता है उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय पता है ना क्या होता है, यदि मान लो उच्च न्यायालय में कोई डिसीजन होती है, उस डिसीजन को कैप्चर रख करके दूसरे राज्यों के हाईकोर्ट में भी पेश किया जाता है कि इस राज्य इसको हाईकोर्ट ने ऐसा कहा, इसी जिस तरह से आपका सुप्रीम कोर्ट का मैटर था। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालयों के गठन की बात, अनुच्छेद 217 बात करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें क्या क्या होंगी, उसकी बात करता है आर्टिकल 217। आर्टिकल 219 बात करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने की बात। आर्टिकल 226 बात करता है रिट से संबंधित है, कुछ याद रखिएगा उच्च न्यायालय की रिट की शक्ति 226 में मिलती है। अनुच्छेद 231 कहता है दो या दो से अधिक राज्यों में या राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की भी बात है, जैसे आप देखेंगे कि छोटे छोटे दो राज्य हैं तो उनके लिए हमने एक हाईकोर्ट बना दिया, तो देखेंगे उच्च न्यायालय की दो से या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनकी नियुक्ति की बात आर्टिकल 233 में कहा गया है, और आर्टिकल 239 में बात किया गया संघ राज क्षेत्र की प्रशासन की बात। ठीक है, चलिए फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 239 क है ना, मैंने क्या बोला था कि देखो अभी तो 468 गया है, मई 2022 का मैंने करंट डेटा बताया था, लेकिन 395 उसी में बढ़ाते चले जा रहे हैं। आर्टिकल 241 कहता है कुछ, आर्टिकल 239 किससे है, दिल्ली के विशेष संबंध, ध्यान रखना कि दिल्ली बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो राज्य देश की राजधानी है, दूसरा अरविंद केजरीवाल है, तो बार बार टसल इन लोगों के बीच में होता है एलजी को लेकर के, तो ध्यान रखना ये एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, ताकि 239 दिल्ली के संबंध में विशेष उपवन की बात होती है। आर्टिकल 241 कहता है संघ राज क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात आर्टिकल 241 ग्राम सभा वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तो इन्होंने बोल्ड में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 क, अनुच्छेद 243 ख, पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 ग, पंचायतों की संरचना, आर्टिकल 243 घ, पंचायतों के में स्थानों का आरक्षण की बात, और आर्टिकल 243 झ, पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान, और आर्टिकल 243 ट, पंचायतों के निर्वाचन की बात। तो ध्यान रखना कि आर्टिकल 243 बस ध्यान रखना। देखो तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बता देता हूँ, अभी हाल में आपने देखा होगा तेलंगाना में, तेलंगाना, हाँ तेलंगाना का ही बात है, वहां पे एक उप सचिव थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने का कारण क्या था कि जैसे चुनाव होता है ना सरपंच का, उप सरपंच का, तो शायद उप सरपंच थे, तो उन्होंने कुछ फंड लेकर के और कुछ सड़कों का निर्माण करवाया था, कुछ वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया था, और ब्लॉक से पैसा उनको रिलीज नहीं किया गया, जिसके कारण से उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस पे एक मुद्दा ये उठा कि क्या जो हम बात करते हैं वित्तीय मामलों में, तो बार बार ये हम एक तरफ तो ग्राम पंचायत की स्थिति को सुदृढ़ करने की बात करते हैं, उनको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बना रखे हैं, इंडिपेंडेंसी दे ही नहीं रहे, उस केस में कैसे डेवलपमेंट होगी। जो गांधी का जो ये कहना है कि हम सबसे अंतिम वर्ग से ऊपर चलेंगे,
तो कैसे होगा? जब आप पंचायतों को सुदृढ़ नहीं करेंगे, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देंगे, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो बेचारे एक्सपायर कर गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, भी हल्का ही न्यूज है। इसलिए देखना कि ये सब जब कोई न्यूज पढ़ते हो तो कैसे किसी आर्टिकल से जोड़ सकते हो, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला जो है वो है 243 था, नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 243 वाई के यानी य का नगर पालिकाओं के निर्वाचन संबंधित है, और 43 जिला नियोजन के समिति से, और आर्टिकल 243 यह सहकारी समितियों के निगमन से। तो ये याद रखिएगा, 243 में दोनों पात आएगी। यदि सिर्फ पूछा जाए पंचायतों नगर पालिकाओं के बारे में किसमें बात की गई है, तो आर्टिकल 243 ध्यान में रखिएगा। अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 249, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। यदि स्टेट लिस्ट है उसमें कोई विषय, उस पर यदि संसद को शक्ति दिया गया है, आप विधि बना सकते हैं। 249 ध्यान रखना, 239 ये भी याद रखिएगा। अगला है आर्टिकल 243, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाने की बात। आर्टिकल 262 अंतरराज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों को न्याय निर्णय की बात। 262 ये भी पॉइंट याद रखना, 262 262, बहुत सारे नदियों के जल को लेकर। अब दिल्ली में ही देख लो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो कहती है कि यमुना का पानी हरियाणा नहीं छोड़ रहा, हरियाणा कह रहा है कि पंजाब से उधर प्रॉब्लम कर रहा है ना, तिलक टसल हो रही है नदियों को लेकर, तो नदियों के जल को लेकर। तो ध्यान रखना कि अंतर्राज्यीय नदियों के या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय। अनुच्छेद 263 कहता है अंतर राज्य परिषद के संबंध में गठन की बात करता है 263, और अनुच्छेद 266 बात करता है भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेख के बारे में प्रावधान करता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, वो है आर्टिकल 266। आर्टिकल 267 कहता है कि भारत की आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड की बात आर्टिकल 267 में है, और आर्टिकल 280 बात करता है फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फिर आपको हम एक टास्क दे देते हैं, है ना भाई? खाली वीडियो सुनोगे तो नींद आ जाएगी, है ना? तो कोई सिनेमा तो चल नहीं रहा है ना? 3 घंटे की मूवी हम लोग देखते हैं, पूरी मूवी याद हो जाती है, लेकिन 2 घंटे की वीडियोस में बहुत सारे पॉइंट भूल जाओगे। एक छोटा सा काम ये करना, अभी बता देना मुझे चैट बॉक्स में कि अभी जो फाइनेंस कमीशन है का जो अध्यक्ष है वो कौन है। ठीक है, चलो। आर्टिकल 300 का, आर्टिकल 300 का क्या है? विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा, जो सबकी ड्रीम है यूपीएससी, उसकी बात अखिल भारतीय सेवा के बाद आर्टिकल 312 में है। और लोक सेवा आयोग संघ और राज्यों के लिए, वो बात करता आर्टिकल 315। तो ये तो कम से कम याद रखिएगा, है? चलिए, अनुच्छेद 324 कहता है निर्वाचन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। और आर्टिकल 326 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का व्यस्क मताधिकार के आधार पर होना। इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 326 व्यस्क मताधिकार का, सबको कहते हैं ना वोट, राइट टू वोट, मेरा अधिकार है, मेरा मत का अधिकार है। पूछ लो उससे तो भैया कौन सा आर्टिकल है ये बता दो, वो आर्टिकल कौन सा है, वो आर्टिकल 326 है। आर्टिकल 330 क्या कहता है? आर्टिकल 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सीटों का जो रिजर्वेशन है वो बात करेगा 330। आर्टिकल 331 कहता है लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से इसको द्वारा इसको निष्प्रभावी किया गया। तो याद रखिएगा, 331 अंग्ल भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व की बात करता है, इसको अनिष्प्रभावी बनाया गया। अब देखिए आर्टिकल 332, 332 में है राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण किसमें, विधानसभा में, ध्यान रखना। और यहां पे क्या था, लोकसभा में। तो लोकसभा में 330 और विधानसभा में 332, कैसे याद रखोगे? 330 में दो जोड़ दो, 332। 333 किसमें, राज्य के विधानसभा में अंग्ल भारतीयों समुदाय का प्रतिनिधि, लेकिन इसको अभी निष्प्रभाव बना दिया गया। संविधान संशोधन कौन सा, 104।
अनुच्छेद 338 कहता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एससी कमीशन की बात, एसटी कमीशन 233(8) का 233 राष्ट्रीय अनुसूचित, और पिछले वर्ग ओबीसी आयोग 338 ख, ध्यान रखिएगा। तो 338, 338 का, 338 ख, एससी एसटी ओबीसी, ध्यान रखना है इसे। कैसे याद रखोगे? एससी एसटी ओबीसी, आर्टिकल 343, 343, बिल्कुल सही। हिंदी राजभाषा और लिपि देवनागरी, और 344 राजभाषा आयोग की बात करते हैं। आर्टिकल 350 का प्राथमिक स्तर पर शिक्षा बच्चों को किसमें देंगे? उनकी मातृभाषा में। तो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात किसमें है? आर्टिकल 350 का, आर्टिकल 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी की बात। आर्टिकल 352, 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किसमें बात की गई है? आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 356 किसकी बात करती है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र है ना, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा को, क्लियर है? तो आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, और आर्टिकल 368 संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। तो क्या याद करोगे? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा भाई? आर्टिकल 352 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, जो राष्ट्रपति शासन की बात करते हो, आर्टिकल 356 कब लगेगा? अनुच्छेद 356 के तहत, कब लगेगा नहीं, किस आर्टिकल के तहत लगेगा? तो 356 के अंतर्गत कब लगेगा? अब कुछ तो लोग कहते हैं कि भाई केंद्र में जिसकी सरकार है जहां चाहे वहां लगाए, लेकिन ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है रिव्यू करने के लिए। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा, और आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करके इतना बढ़ाया गया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहां तक आपको एक बार जो जो इम्पोर्टेंस आर्टिकल थे हमने आपसे बात कर ली। अब थोड़ा सा फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। एक बार वीडियोस पॉज कर लेना, फिर से क्वेश्चंस को आप खुद से करके देखना होता है कि नहीं, बाकी तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में है ना, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में है, अब बताओ क्या है। कहता है कि 300 अनुच्छेद है, 350 अनुच्छेद है, 5 BPSC में 97 का क्वेश्चन, कितना हो गया? 400 से अधिक अनुच्छेद, बिल्कुल सही। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, करंट ना पूछ करके ये पूछ लेगा कितने शुरू में थे। 395, 395, गुड, 395। कम कलम का हम कलर चेंज कर देते, नहीं ग्रीन ग्रीन देख करके दिक्कत हो रही होगी, नहीं। चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से, ध्यान रखना गणना पूछ रहा है, गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? अभी हमने बात किया था ना कि मई 2022 के अकॉर्डिंग कितना था? लगभग 468, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? गणना की दृष्टि से आपका आंसर हो जाएगा डी, क्लियर है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल भारतीय संविधान में, मूल पूछ रहा है स्टार्टिंग में, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ठीक है, आंसर इज राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में शामिल है, क्या शामिल है भाई? तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नए राज्यों के गठन की बात, बी नागरिकता, सी मौलिक अधिकार और डी प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। देखो इस क्वेश्चन पे पॉज कर लेना थोड़ा वीडियोस को, और यहाँ ध्यान से रखना कि यहाँ पे तुमको भी दो जगह भाग, ये तीन तीन दिख रहा है, तो ध्यान रखना एक जगह अनुच्छेद 3 है और एक जगह भाग 3 है। मैंने बोला था ना कि अब ना स्मार्टनेस दिखाएंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछेंगे,
ये भाषा का खेल खेलेंगे तुम्हारे साथ। यदि तुमने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखना, एक जगह अनुच्छेद 3 है और एक जगह संविधान का भाग 3 है। एक जगह अनुच्छेद 323A है, एक जगह भाग संविधान का भाग 2 है। तो नए राज्यों के गठन की बात किसमें होती है? अनुच्छेद 3 में। तो नए राज्यों के गठन की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 3 में। और नागरिकता की बात किसमें है? भारतीय संविधान के भाग 2 में। तो नागरिकता भाग 2 में आता है। मौलिक अधिकार कहाँ जाएगा? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात आर्टिकल 323A में है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पढ़ा हुआ तो सब कुछ है, लेकिन वहां यहाँ ध्यान से यदि प्रश्न को नहीं पढ़ोगे ना, यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, इस तरह से आंसर क्या हो गया? आंसर इज अ ए इज अ राइट आंसर, क्योंकि ए का 2 है। देख लो ए का 2 है या नहीं है। ए का 2, बिल्कुल ए का 2 है ना। उसके बाद बी का 1, बी में कौन सा? नागरिकता। और 1 में क्या था? भारतीय संविधान के भाग 2। और सी का 4 है, तो सी का 4 में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस में? भारतीय संविधान के भाग 3 में। और डी का 3 है, और डी का 3 आ गया, प्रशासनिक अधिकरण की बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर की। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, टैक्स लगाता है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जी हाँ, 117, आर्टिकल 117। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110A, आर्टिकल 110 क्लाउज 1 के उपखंड क से लेकर के च में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान, यानी कि कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 क्लाउज 1 के उपखंड क से लेके च तक उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान, यानी कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति के सिफारिश से पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इसीलिए कभी कभी बचने के लिए लोग आर्टिकल 117 बजट के माध्यम से भी कर का अधिरोपण कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 117 बजटीय बजट का उल्लेख कहीं भी आपके संविधान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 कहां चला गया भाई? वित्त विधेयकों के संबंध में, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बिल्कुल सेम आंसर, आर्टिकल 117। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, अभी मैंने याद करवाया था ना कि कम से कम लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग को तो कम से कम याद ही रख लेना। ठीक है, 312, गुड, बहुत बढ़िया, आर्टिकल 312 बात करता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था या संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? देखो एक ही बार पूछ लिया ना, अब कौन सा जोड़ी सुमेलित है, मतलब एक ही सही है, बाकी सब इसने क्या कर रखा है? गलत कर रखा है। तो सुमेलित है, पहला कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा कहता है भारत का निर्वाचन आयोग, तीसरा कहता है संघ लोक सेवा आयोग, और डी कहता है महाधिवक्ता। आपको पता ही है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? आर्टिकल 324 संबंधित है भारत के निर्वाचन आयोग से। तो ये तो आपका हो गया राइट आंसर, बी इज अ क्लियर है। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या कौन सा है? 124। तो बताओ 318 किससे होगा?
तो अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों, लोक सेवा आयोग में जो सदस्य हैं ठीक है, और उनके कर्मचारियों की सेवा शर्तों की बात है 318 में, तो ये भी याद रखना, लोक सेवा में जो सदस्य उनकी बात कर रहा है। और वहीं पे लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है। साथ ही साथ संघ संघ, और अभी हमने देखा ना कि यूनियन पब्लिक सर्विस यूपीएससी की बात करते, 312 था, 315 तुम्हारा राज्य लोक सेवा आयोग है, तो 315 दे, 315 तो दिया ही नहीं, तो ये भी पॉइंट में एक बार माइंड में रखना कि 312, 315, 318, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है और ये पूछते हैं ये लोग ठीक है, और यहाँ कंफ्यूजन बड़ा क्रिएट होता है। तो याद रखिएगा कि संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग के प्रावधान 315 में है, जबकि 332 यहाँ पे इन्होंने संघीय लोक सेवा आयोग में, ये 300 क्या हो गया, ये 315 हो गया, संघीय लोक सेवा आयोग किसमें है, 315 में। तो 332 में क्या है भाई, तो 332 में राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की बात है, जो स्थान का आरक्षण जो रिजर्वेशन की बात है, किसमें, राज्य विधान सभा में, तो राज्य विधान सभा में इनकी बात की गई। एससी एसटी सीट्स की बात, क्लियर। अब देखो महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 165 में, महाधिवक्ता किससे संबंधित है, आर्टिकल 165 से, और आर्टिकल 351 फिर किससे है, याद रखना हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए दिए गए, आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए। मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ना हो, ध्यान से देखिएगा। देखो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसमें से कहा गया था कि सुमेलित कौन है कौन नहीं है, तो आप भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात आर्टिकल 124 में बात की गई है, 124 में ठीक है, तो ध्यान में रहेगा। दूसरा भारत का जो संविधान का जो निर्वाचन आयोग है ये बिल्कुल सही है, ये बात की गई 324 में, और संघीय लोक सेवा आयोग 315 की बात थी, 32 में किसकी बात है, राज्य विधानसभा में जो एससी एसटी के सीट्स हैं उसकी बात की गई है, आर्टिकल 165 महाधिवक्ता की बात करता है, और आर्टिकल 351 351 बात करता है हिंदी भाषा के डेवलपमेंट की बात करता है, हिंदी भाषा के विकास के लिए बात करता है ठीक है, और आर्टिकल 318 लोक सेवा आयोग उनके सदस्यों के कर्मचारियों के सेवा शर्तों की बात करता है ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, तो लोक सेवा में जो काम करते हैं जो इम्प्लॉइज हैं भी लिख देते हैं यहाँ पे, लोक सेवा कर्मचारियों की बात करता है। तो देखो एक क्वेश्चंस करने से ये इस तरह से पढ़ोगे ना, इस तरह से थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन याद नहीं होगा कि तुमने सिर्फ याद कर लिया कि नहीं चलो हमने याद कर लिया भारत का निर्वाचन आयोग और आर्टिकल 300। अरे ये तो एक तो हो गया, बाकी ये चार पांच किसके लिए है उसको देखो ना, तब ये क्वेश्चन क्या होगा, इस एक ऑप्शन से यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, तीन इसके लिए आपको पकड़ में आ गया और तीन ये हो गया, तो तीन और तीन छह और एक तो तुम्हारा सही, तो सोचो कि एक क्वेश्चन नंबर 10 से तुम्हारे 7 क्वेश्चन तैयार हो गए, है ना। इसको खुद से करेंगे ना तो बड़ा बोरिंग लगेगा है ना, लेकिन आप इस तरह से वीडियोस के माध्यम से देखोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, और आराम से सुनना ही तो है समझो कि एक तरह से, मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं हूँ ना, मैं शाहरुख खान हूँ है ना, लेकिन मेरी आवाज भी सबकी दुनिया में ईश्वर ने सबकी आवाज यूनिक बनाई, आपकी भी आवाज यूनिक है, इस आवाज को सुनिए तो उसका फायदा उठाइए है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, उसमें क्या था, उसमें सुमेलित था और इसमें सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है, थोड़ा सा वीडियोस को पॉज करो और खुद ही बताओ मुझे, चलो मैसेज में लिखना, चलो मत लिखो, अब ध्यान से सुनो। देखो अनुच्छेद 339A है, कहता है कि क्या यह समान न्याय एवं निःशुल्क विधि की सहायता की बात करता है, अनुच्छेद 40 क्या ग्राम पंचायत का संगठन की बात करता है, तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक यानी कि डीपीएसपी की मैं बात कर रहा हूँ, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत समान समान न्याय और निःशुल्क विधि अनुच्छेद 39A में बात किया गया, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, सही है, हमें क्या पूछना है, नहीं सही है, ध्यान रखिएगा नहीं बताना है तो सही,
दूसरा अनुच्छेद 40, बिल्कुल ग्राम पंचायत की संगठन की बात किया गया है। समांग नागरिक संहिता बिल्कुल सही है, आर्टिकल 44 ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन है? ये, यानी कि ये क्या हो गया हमारा आंसर, आर्टिकल 40 न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक करना। मुझे बताओ, जब मैंने वहां पे जब आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करा तो मैंने क्या बोला था कि देखो इसको अंडरलाइन इन्होंने नहीं किया, लेकिन यहाँ टसल है, क्योंकि किरण रिजू वाला एक कहानी याद करो, ये समझ में आ रहा है? किरण रिजू वाला मैंने कहानी आपको यहाँ पे बताया था ना कि किरण रिजू पे ये स्टेटमेंट लगा कि न्यायपालिका के कार्यों का वो क्या कर रहा है, वो न्यायपालिका के कार्यों का लोग उस पर आक्षेप लगा रहे हैं कि कैप्चरिंग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें तसल इन लोगों के बीच का चलता रहता है ना, तो ये तसल इन लोगों के बीच में चलता रहता है। और ये बात किया गया कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण की बात किसमें है, अनुच्छेद 85 है ना। चलिए आ जाते हैं नीचे, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आर्टिकल 50 हो गया, तो बताओ मुझे तो आर्टिकल 48 किसे संबंधित है? आर्टिकल 48 संबंधित किससे है? आर्टिकल 48 संबंधित है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है क्या? चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 245। देखो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में समय नागरिकता अनुच्छेद थी, ठीक है, तो नागरिकता, तो यानी कि ए का 1, अनुच्छेद बी है, बी का 2, तो बी का 2 अनुच्छेद आ गया, तो बी का 2 देखो किसमें, बी का 2 तो पहले वाले में मिल गया है ना, बी का 2 पहले वाले में, यानी कि ये गया, ये भी गया, यानी कि ये, यानी अनुच्छेद 5 किससे आ रहा है? ध्यान रखना कि संविधान के प्रारंभ की बात कर रहा हूं, प्रारंभ में नागरिकता किसमें था, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 124 में किसकी बात है, संघीय न्याय पालिका की बात की गई है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या, अनुच्छेद 245, 245 में द्वारा संसद द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार की बात किया गया है, यानी कि 245 डी का 4 हो गया, विधायी शक्तियों का वितरण, ठीक है। अनुच्छेद 352 जो बचा लास्ट में, आकस्मिक प्रावधान की बात 352 में किया गया, यानी कि आपातकाल की उद्घोषणा की बात, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर देखते हैं। सूची एक को सूची दो से फिर मिलाना है आपको, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368। अब देखो मैंने शुरू में भी बोला ये बात, जब डायरेक्ट डायरेक्ट ना पूछ के मल्टीपल स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं, और एक भी थोड़ा याद नहीं हुआ, लेकिन खूबसूरती इस क्वेश्चन का ये होता है कि दो भी याद निकाल लोगे ना तो ये आंसर तुम्हारा बन जाएगा, दो नहीं भी याद रहेगा, यदि दो निकाल लोगे मिनिमम तो निकल जाएगा, एक से तो नहीं हो पाएगा लेकिन कम से कम दो आपको याद होना चाहिए। तो देखो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 36, सॉरी 16 नहीं है, 36 है, 74 और 368। अब बताओ सिंपल, अनुच्छेद 14 मैंने बात किया था समानता के अधिकार, तो पहला ही मिल रहा है तुम्हारा, ए का क्या मारोगे, ए का क्या मारेंगे आप? देखिए अनुच्छेद 14 जो है समानता के अधिकार की बात करता है कि नहीं बात कर रहा है ना। आ गया इसका ऑप्शन भैया, ये रहा ऑप्शन ऊपर में है ना। चलो तो अनुच्छेद 14 बात कर रहा है आपका समानता की अधिकार की बात, सबको समान हो, और अनुच्छेद 36 बात करता है, याद रखना एक बात, तब यहां पे इन्होंने 36 डायरेक्ट अलग से नहीं पूछा है, जो हमने वहां पे बात किया था कि मान लो 56 से लेके 68 कर दे, 62 कर दे, तो यहाँ से पूछा है कि देखो जो नीति निर्देशक तथ्य कहाँ से है, तो याद रखना यहाँ पे आर्टिकल 36 से
51 तक किसमें बात की गई, डीपीएसपी की बात की गई, यानी कि 36 किसमें आ जाएगा, नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा, और आर्टिकल 74 मंत्री परिषद की बात है। बिल्कुल सही है, सी का टू मंत्री परिषद। और लास्ट जो बचा तुम्हारा 60, ये 368 पता ही है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो डी का वन। अब मैच कर लो किसमें आंसर आएगा, वीडियो को पॉज करके मैच कर लेना, ऐसे एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है। थोड़ा सा आंसर ऊपर चला गया है, तो पहला का तीन, तो पहला का तीन, यहाँ पे पहला का तीन नहीं, देखो एक ही बार में आंसर मिल गया, आंसर इज अ डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, विधानता नए राज्यों को शामिल करना, ध्यान से पढ़िएगा, समता का अधिकार फिर आ गया, एक ही बार में बना लो, समता का अधिकार अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखे थे और यहाँ भी देखे हो, आर्टिकल 14 देख लो, सी बी का वन है कहीं पे, बी का वन लो, एक ही बार में आंसर तुम्हारा, बी का वन एक ही बार में मिल रहा है, बी का वन, बी का वन, हाँ बिल्कुल एक ही बार में मिल गया, देखो बी आंसर हो गया, बी का वन है ना, यानी कि ए का टू नए शामिल करना है अनुच्छेद 2 में, आर्टिकल गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, ठीक है, आर्टिकल 22 बिल्कुल सही, राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111, ठीक है 111, यानी कि बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अनुच्छेद 54, ठीक है 54, 75, 155, 164, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कौन है, आर्टिकल 54, ए का वन हो गया, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, आर्टिकल 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात, बिल्कुल सही, सी का सी, मैच ही मैच कर दिया, और ये अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री, ये भी सही है, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया आपका ए इज अ राइट आंसर, सबका मैच हो गया, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री और डी का फोर। फिर से ध्यान से सुन लेना, आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, आर्टिकल 75 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करता है, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है, आर्टिकल 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करता है। अब एक बात मुझे बता दीजिए कि राज्य के विधानसभाओं की संरचनाओं की बात किसमें की गई है, बिल्कुल सही, आर्टिकल 170 में बात की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है, आर्टिकल 61, आर्टिकल 67 ख, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 90 किसमें क्या क्या है बताओ, आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग आर्टिकल 61, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग, ए का टू, ए का टू यहाँ भी है यहाँ भी, यानी कि डी कैंसिल हो गया और सी कैंसिल हो गया, ठीक है, आर्टिकल 67 ख, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटाने की बात, उपराष्ट्रपति को हटाने की बात बी के 3 में किया गया है, तो बी का 3 देखो कहाँ पे है, बी है अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 और उपराष्ट्रपति को हटाने की बात, तो बी 3 किसमें है, इसमें है, यानी कि आंसर इज योर सी इज योर राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एक बार रिपीट कर दूं, चलो रिपीट कर देता हूं, अनुच्छेद 61 किसमें है, अनुच्छेद 61 में बात किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की, यानी ए का टू, अनुच्छेद 67 ख में बात किया गया है उपराष्ट्रपति को हटाने का, अनुच्छेद 94 में बात किया गया है स्पीकर को हटाने का, ठीक है, ओम बिरला जी को हटाना है तो करना है भैया 94 रुपीज लीजिए और अपना ट्रेन पकड़िए और जाइए, ओम बिरला जी को हटाना है यानी 94 रुपीज का टिकट देना, बोलना है कि आप जाइए राजस्थान, क्लियर है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो कितने रुपए का टिकट दोगे, 61 रुपीज, ठीक है, और 67 रुपये किसको दोगे, 67 रुपये का एक हवाई जहाज का टिकट तो नहीं आएगा, टेम्पू का टिकट देना पड़ेगा, हम कहा उपराष्ट्रपति दिलीप धनकर है ना, धनकर जी को देना पड़ेगा 67 रुपीज के, और 90 रुपया लगा करके राज्य के उप सभापति जी को भेज सकते हो, क्लियर है, सबको हटाने का है बात है, 61, 67, 94, 90। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 फिर मैच कराना है, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 17 में अनुच्छेद 323A, 324, 330, 320 पूरा प्रशासन से संबंधित ही है। चलिए 323 कहता है प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है, यानी कि ए का टू। आर्टिकल 323A प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है, आर्टिकल 324 निर्वाचन की बात करता है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन, तो 324 इलेक्शन, 324 इलेक्शन, 324 निर्वाचन, ध्यान रहेगा। चलो आर्टिकल 330 बात करता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का जो आरक्षण की बात है, अभी हमने थोड़ा देर पहले बात भी किया था। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, वहां पे हमने विधानसभा में देखा था, है ना। चलिए और आर्टिकल 320 किसकी बात करता है, लोकसेवा आयोग के कार्यों की बात करता है। तो आंसर इज सी, सी होगा, ए का टू, ए का, हाँ एक ही बार देखो मुझे मैंने कहा बहुत पीसीएस के एग्जामिनेशन में तो एक आध ऑप्शन से भी तुम मैच कर रहे होगे, लेकिन थोड़ा सा यूपीएससी वगैरह में भी क्या होता है, और हो सकता है कि पीसीएस में आगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे ना, तो एक ऑप्शन से नहीं बनेगा, कम से कम दो याद रखना पड़ेगा, तब तुम श्योरिटी आओगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि संविधान संशोधन बहुत ही आसान है, ले लो संविधान संशोधन एक ही बार आ जाओ 368 पे, और देखो कहीं पे ए का फोर है कि नहीं, एक ही बार में मिल गया फोर, है ना। तो ए का फोर, बी वित्त आयोग, वित्त आयोग 280, ठीक है, वित्तीय आपातकाल ठीक है 360, भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं 312, तो बी आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान लगाना, अभी वित्त आयोग वहां देखे थे तो यहाँ ऐसे ही 19 नंबर बन जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है तो 19 नंबर ऐसे ही बन जाएगा, 280 देख लो वित्त आयोग, तो वित्त आयोग को 280 में जोड़ दो और देखो ऑप्शन कोई बी बन रहा है कि नहीं, तो बी का टू, बी का टू दो जगह है, देखो बी तो कट गया ठीक है और बी भी कट गया, है ना। अब आगे बनाना पड़ेगा तुम्हें, अभी प्रशासनिक अधिकरण संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग तो बता ही सकते हो कहाँ है, 315, 315 इसमें आ जाएगा भाई, डी का वन, डी का वन आंसर इज अ, ठीक है। चलिए आगे बता दें, अरे भाई वित्त आयोग 280 में आ गया, संघ लोक सेवा आयोग 315 में आ गया, प्रशासनिक अधिकरण आ गया था 323A और वही गया, महालेखा परीक्षक तुम्हारा ए का थ्री, 148, ठीक। चलो 19 नंबर, नाउ 20 नंबर क्वेश्चन, ये एक सिंपल क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। हाँ अच्छा, इसमें गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, इसमें गलत पूछ रहा है, तो बताओ अंतरराज्य परिषद किसमें है, 263, ये तो सही है भाई ठीक है, वित्त आयोग 280 अभी हमने देखा ही, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात ये भी सही है, और संघ लोक सेवा आयोग 315। अच्छा तो बताओ इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए इन्होंने गलत कर दिया, है ना, सारे तो सारे सुमेलित ही है, क्लियर है, तो इसमें से एक भी आंसर नहीं होगा क्योंकि चारों के चारों ऑल ऑफ देम इज राइट। चारों के चारों सही। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कह रहा है कि सुमेल सही है, सही है तो सही है भाई, तो बताओ कि इसमें सही है, अनुच्छेद 17 में कहता है न्याय के समक्ष समानता, हमने अभी जब डिस्कशन किया था उसमें हमने बोला था अनटचेबिलिटी से संबंधित है, तो पहला तो भाई सही नहीं है ठीक है, और 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई, ना कि संसद के गठन की बात की गई, दूसरा भी गलत हुआ। 192 कहता है कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात नहीं है, इसमें बात किया गया है 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर निहरता से संबंधित है, तो राज्यमंडल की बात है, ये भी गलत है, लेकिन अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा करता है, सुमेलित सही है, तो डी इज अ राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, चलिए देखते हैं,
22 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा। कोई ऐसा आसान क्वेश्चन ढूंढो जिससे, अच्छा सारा का सारा हाई कोर्ट से ही दे दिया, सुप्रीम कोर्ट से ही दे दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। 215 में उच्च न्यायालय के किसकी बात की गई है? अभिलेख न्यायालय होगा। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय, तो अभिलेख न्यायालय कहाँ पे है? यानी कि 215 का उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 222 कहता है किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो अंतरण करने की बात हो रही है, तो 222 में का पहला हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए का 4, बी का 1, ए का 4 बी का 1। अच्छा ए का 4 यहां मिल गया, बी का 1 यहां मिल गया। अब देखो 226 और 227, 226 पे हमने कुछ आपसे बात किया था, याद आ रहा होगा। तो हमने कहा था कि देखो जो रिट की बात होती है, जो विशेष रिट की बात होती है उच्च न्यायालय के लिए, तो उच्च न्यायालय की रिट की जो शक्ति है किसमें है? 222 में, सॉरी 226 में, 227 में किसकी बात की गई है? 236 में बात की गई है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति किसमें होगा? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि आर्टिकल 227 आएगा सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। तो आंसर इज अ ए इज अ राइट आंसर। चलो मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, 222 किसी न्यायालय का उच्च न्यायालय से किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, और 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियां, और 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। अब एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 23, 23। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में केंद्र शासित, ध्यान से समझिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? बताइए किसमें होगा? भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ध्यान से रखना कि 200 जो 39 है, ये 239 जो है, ये 239 किससे संबंधित है? संघ राज क्षेत्रों के, संघ राज क्षेत्रों के प्रशासन के लिए। और 241 जो है संघ राज क्षेत्र के उच्च न्यायालय के लिए है, 241 उच्च न्यायालय के लिए है संघ राज क्षेत्रों के। और 200 जो 40 है वो है कुछ संघ राज क्षेत्रों के विनिमय बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति, लेकिन है सब संघ राज क्षेत्रों के ही। और 242 जो है उसको निश्चित कर दिया गया है, यानी कि आंसर होगा आपका, क्या कह रहा है केंद्र शासित उच्च न्यायालय के प्रावधान, ध्यान रखना उच्च न्यायालय के प्रावधान का बात कर रहा है, उच्च न्यायालय के प्रावधान किसमें आता था? 241। आंसर इज अ बी इज योर राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, तो 24 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा हम देखते हैं ध्यान से। अच्छा 76 अभी मैंने आगे भी देखा था, ठीक है, तो 76 आगे हमने देखा था, बताओ किसमें आएगा? बिल्कुल सही, भारत के महान्यायवादी में, ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी में, तो ए का 3, ए का 3 तो बी ही आ गया ना, यही हो गया राइट आंसर। बी का 1, 148 महालेखा, महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ठीक है, बी का 1। सी का 4, 75-1 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, बिल्कुल किसके साथ, किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री की सहायता सलाह पे राष्ट्रपति करेगा। और डी, डी का 2 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, 131। तो ये हो गया आपका 24 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन का देख लीजिए, सिंपल सा है। अभी हमने आर्टिकल 14 देखा था, सबसे पहले जो आप देखो ध्यान रखना है, जब भी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो ध्यान रखना जो तुम्हें याद है ना पहले उसको पकड़ लेना, वो समानता अनुच्छेद 17, सॉरी अनुच्छेद 14, 17, ये सब तो 19, ये सब तो एकदम टंग पे आना चाहिए। तो बताओ विधि के सम्मुख समान का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। तो आर्टिकल 14 किसके बात कर रहा है? विधि के सम्मुख समानता का अधिकार, तो तीसरा का ए। अब देखो कोई ऑप्शन कट रहा है क्या? तीसरा का है, लो एक ही बार में आ गया, तो तीसरा का ए यानी विधि के सम्मुख समानता आर्टिकल 14। बी कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 4, 41 बी का 41। सी
कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति की बात अनुच्छेद 42, और लास्ट में बचा अनुच्छेद 45 जो बात करता है बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की बात, यानी कि आंसर इज योर बी इज द राइट आंसर। ये 25 क्वेश्चंस थे। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना नहीं, इस बात को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम क्वेश्चंस, हमें आता है और आते ही हमने क्वेश्चंस को गलत कर लेते हैं। पूछा जा रहा है हाँ है, अपन आवाज जवाब देते हैं नहीं, ठीक है। तो बताओ किसने अभी पूछा, पूरा पूछ लिया, नागालैंड, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये 2 पॉइंट में आपको याद कर, 71 71 सब है, 371 371 371 है ना, ध्यान रखना। संविधान के भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद और से संबंध राज जो है कैसे हैं वो ध्यान रखना। 371 ध्यान से रखिएगा, 371 में महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। 371 क में बात किया गया है नागालैंड का, 371 ख में बात किया गया है असम का, 371 ग में बात किया गया है मणिपुर का, और 371 घ में बात किया गया है आंध्र प्रदेश का, और 371 क्या बोलोगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है याद रखना, तेलंगाना दोनों आएगा। 371 अंग में बात किया गया है आंध्र प्रदेश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात किया गया है। 371 छ में सिक्किम की बात की गई है, और 371 छ में मिजोरम की बात की गई है, मिजोरम की बात की गई है, 371 ज में अरुणाचल प्रदेश की बात की गई है, और 371 झ में गोवा की बात की गई है, और 371 ईया में कर्नाटक की बात की गई है। थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा, कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखो, थोड़ा सा इमेजिन करो। चलो हम लोग करते हैं इंडिया टूर। अब हुआ क्या कि हमें भाग 21 संविधान हम पढ़ रहे थे, भाग 21 में पहुंच गए, थोड़ा सा स्टोरी समझना चाहते हैं। भाग 21 में पहुंच गए हम, और भाग 21 में पहुंचे तो हमें बड़ा हीरो बनने का शौक किया, और हीरो बनने गए थे तो पहुंच गए महाराष्ट्र, क्योंकि हीरो बनने के लिए तो मुंबई जाना पड़ेगा ना भाई, चले महाराष्ट्र। लेकिन वहां बात पता चला कि यार हमें हीरो वाला था गुण नहीं है, हमें गुण बिजनेसमैन वाला है, तो हम चले गए गुजरात। यानी 371 से हम शुरू करेंगे, और 371 में हम जब शुरू करेंगे तो कहाँ जाएंगे, हीरो बनने, हीरो नहीं बन पाए तो पहुंच कहाँ बन गए, बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन कहाँ से आते हैं, गुजरात से, तो महाराष्ट्र से गुजरात हमको 371 में मिल गया। लेकिन इसी बीच हमें पता चला कि ना हम हीरो बन पाए और ना हम बिजनेसमैन बन पाए, हम में तो एक आदिवासी का गुण था। भैया हम चेहरे से काले हैं, तो हम तो आदिवासी वाले गुण है हम में, तो भैया हम पहुंच गए नागालैंड। यानी कहानी हमारी कहाँ से शुरू हुई, हम चले महाराष्ट्र, पहुंचे गुजरात, वहां से न हुआ तो पहले गए नागालैंड, तो महाराष्ट्र गुजरात नागालैंड आ गया 371 371 का। 371 में महाराष्ट्र भी था गुजरात भी था, क्योंकि बिजनेसमैन बनो चाहे हीरो बनो, दो ऑप्शन था मेरे पास, तो मैं 371 पकड़ के चला गया। क्यों, क्योंकि हम संविधान 21 पढ़ रहे थे, तो संविधान के 21 भाग में गए तो हमें यहाँ पहुंच गए महाराष्ट्र और गुजरात। नागालैंड आ गए, और नागालैंड में भी कुछ नहीं दिखा, क्योंकि आदिवासी लोग भगा दिए हमें मार के, तो कहाँ गए हम चले गए आसाम। तो 371 ख में आ गए, आसाम में आ गए, आसाम से कुछ काम नहीं चला तो आसाम से चले गए मणिपुर, ठीक है, क्योंकि साउथ उधर हमको घूमना था। तो सबसे पहले नागालैंड, नागालैंड से असम, असम से मणिपुर, असम नागालैंड, असम मणिपुर, नागालैंड असम मणिपुर, और फिर कहाँ गए, सीधे साउथ इंडिया उठा के डाल दिया लोगों ने, बोला कि तुम्हारा इधर काम नहीं है, तुम्हारा जो कलर है पूरा काला नहीं है, थोड़ा बहुत काला है, चले जाओ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में घूमता रहा, वहां भाषा समझ में नहीं आई, तो हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। कौन सी यूनिवर्सिटी में, आंध्र प्रदेश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वहां भी काम नहीं चला, पढ़ लिया तो कहाँ पहुंच गए, फिर उठा के इन लोगों ने हमें डाल दिया सिक्किम में, चले गए गंगटोक, सिक्किम पहुंच गए। और सिक्किम में भी कहानी नहीं चली, तो हमें कहीं और न जा करके हमें जाना पड़ गया
मिजोरम। तो कहानी कहाँ से घूम रही है, सबसे पहले कहाँ गया था महाराष्ट्र, हीरो बनना था भाई, 371 पकड़े, बस नंबर 371 पहुंच गए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काम नहीं चला, आ गए गुजरात, गुजरात में भी नहीं है, लोगों ने कहा कि भैया तुम काले दिखते हो, चले जाओ नागालैंड। नागालैंड नहीं गए, हम आ गए आसाम, आसाम में मारा पीटा, पहुंचा दिया मणिपुर, मणिपुर से उठा करके सीधे डाल दिया कहा साउथ इंडिया, और कहा कि रहो तुम आंध्र प्रदेश हो तेलंगाना में, क्योंकि तुम्हारा कलर उधर के लोगों से मिलता है। अब वहां की भाषा थी कैसी, कोई तेलुगु बोल रहा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब मुझे तेलुगु समझ में नहीं आ रहा, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, तो कौन सा यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय। और वहां से भी काम नहीं चला, सीखने के बाद तो हम आ गए सिक्किम, और सिक्किम से फिर चले गए हम मिजोरम। मिजोरम में जैसे ही पहुंचे तो उधर घूमने लगे अरुणाचल प्रदेश, और फिर वहां देखा कि बहुत ठंड पड़ रही है अरुणाचल प्रदेश में, ठंडा का मौसम है, चलो तो भैया गोवा घूम के आते हैं। जैसे ही गोवा गए, गोवा से चले गए कर्नाटक। ये याद कैसे होगा, 371 संविधान पढ़ रहे थे, भाग 21 में पहुंचे, कहाँ पहुंचे, मुंबई, मुंबई से कहाँ, गुजरात, गुजरात काम नहीं चला, कहाँ पहुंचा दिया लोगों ने, नागालैंड, नागालैंड में भी काम नहीं चला, मारपीट के तुमको असम पहुंचा दिया। जैसे ही असम पहुंचे चले गए मणिपुर, लेकिन मणिपुर में भी दाल नहीं गली, उठा के लोगों ने आंध्र प्रदेश में डाल दिया। आंध्र प्रदेश में गए, वहां भाषा समझ में नहीं आई, तो लोगों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन विश्वविद्यालय, सेंट्रल विश्वविद्यालय, वहां से काम नहीं चला, फिर पढ़ लिए, चलो घूम के आते सिक्किम, सिक्किम गए, सिक्किम से आगे मिजोरम, मिजोरम से चले गए अरुणाचल प्रदेश, वहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ी, सोचे चलो समुद्र किनारे चलते हैं, पहुंच गए गोवा। गोवा से कहाँ पे जाना है, चलो सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली, कर्नाटक, बेंगलुरु। इस तरह से याद करोगे ना तो याद, ठीक है, बस ये कहानी याद रखना। भाग 21 पकड़ रहे थे संविधान का पढ़ने के लिए, बने हीरो, चल गए बिजनेसमैन बनने, नहीं हुआ, समझ फेंक दिया लोगों ने नागालैंड में, नागालैंड से असम, असम से मणिपुर, मणिपुर से आंध्र प्रदेश, भाषा समझ में नहीं आई, आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी, जब इसको जोड़ लो 371 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, उसके बाद 377 क ख ग घ लेके चले गए, ठीक है। चलिए मैंने कोशिश किया, वीडियोस लंबी हुई है लेकिन कोई नहीं, मैंने टॉपिक को कवर कर दिया है, इस वीडियोस को आराम से देखिएगा, यदि कोई भी समस्या हो आप चैट बॉक्स में मैसेज लिख दीजिएगा, समस्या होना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग बताएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।